Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to revise the foreign exchange and risk management chapter. This chapter is applicable for old and new syllabus both. So this revision video is will be helpful for both old and new syllabus. ये वीडियो YouTube पे भी जाएगा और YouTube पे जो भी लोग इसे देख रहे होंगे उनसे दरख्वास्त है कि सर प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ लिंक्स में से आपकी फाइल्स डाउनलोड कर लो बिकॉज आगे आपको वो काम आने वाली है. ठीक है, so without wasting any time let's start with the revision part of this video. This is the chart of foreign exchange and risk management chapter. कोई भी अच्छा इसके पहले जो हमने रिवीजन वीडियोस देखे सर इस उसमें भी हमने चार्ट्स के थ्रू रिवीजन किया था. यहाँ पे भी चार्ट्स के थ्रू रिवीजन करेंगे बिकॉज एक चीज सीख लो यहाँ पे चैप्टर जो भी हो पन्ने पलट पलट के पलट पलट के आपका काम खत्म हो गया लेकिन उसके बाद में क्लियर पिक्चर आपके सामने आना जरूरी है. इसीलिए चार्ट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बिकॉज आपको वो एक पिक्चर देता है कि कहाँ से चीज चैप्टर शुरू हो रहा है और कहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है. फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज इन दिस वीडियो. सबसे पहले हम देखेंगे सर उसमें बेसिक्स, उसके बाद हम देखेंगे थेरीज कौन कौन सी आती है फॉरेक्स में, तीसरा है एक्सपोजर्स इन फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करते समय रिस्क कौन कौन से होते हैं और उन रिस्क को मैनेज करने वाला पार्ट हम चौथे हिस्से में देखेंगे. पहला पार्ट टाइम लेगा, चौथा पार्ट टाइम लेगा, बीच के दो पार्ट फटाफट हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. सबसे पहली चीज सर बेसिक्स में क्या आता है, एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट क्या है सर? एक्सचेंज रेट इज रेट एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनादर करेंसी. वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनादर करेंसी. अब करेंसीज कितनी ही तरह की हो सकती है आपकी, इट कैन बी डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, एनीथिंग. सबसे पहले आपको ये चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए. सो बुक से बाहर अगर इंस्टीट्यूट कुछ आपसे एक्सपेक्ट करता है तो वो ये है कि सर टॉप फोर ट्रेडेड करेंसीज, टॉप फोर से फाइव ट्रेडेड करेंसीज कौन सी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में टॉप करेंसीज कौन सी आती है. सबसे पहले है सर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, उसके बाद आता है आपका यूरो, तीसरा आपका आता है सर जापानीज येन, एंड चौथा आपका आता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. ठीक है, ये सारे के सारे सिंबल है चार. अगर आपको आगे भी पता करना है तो सर उसके बाद में टॉप ट्रेडेड करेंसीज में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर और उसके बाद में फ्रेंच फ्रैंक, सॉरी स्विस फ्रैंक आता है. दीज आर द टॉप करेंसीज विच आर बीइंग ट्रेडेड इन द एंटायर वर्ल्ड. आपको आपके सिलेबस में एग्जाम की बात करते हैं दो तरीके से एक्सचेंज रेट दिए रहेंगे, या तो सिम्बॉल में दिया रहेगा या तो ISO कोड में दिया रहेगा. सिम्बॉल में अगर दिया रहेगा तो आपको सारे सिम्बॉल्स ऐसे दिखेंगे और अगर ISO कोड में दिया रहेगा तो हर करेंसी का तीन डिजिट का ISO कोड होता है. जैसे डॉलर के लिए USD, यूरो के लिए EUR, येन के लिए JPY और पाउंड के लिए GBP. JPY यानी जापानीज येन, USD यानी US डॉलर और उसके बाद में GBP यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. उसी तरह से हमारे भारत देश का, इंडिया का, इंडिया की जो करेंसी है उसका सिंबल आपका रुपीस का सिंबल आता है R, मतलब सॉरी R हिंदी में, और उसकी जो उसका जो ISO कोड है वो है INR, इंडियन रुपीस. ठीक है सर, यहाँ तक तो कहानी खत्म हुई. दूसरा टॉपिक आता है डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट. इसमें सबसे ज्यादा गलती क्यों होती है, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं से ये बैठा हुआ होता है कि सर डायरेक्ट कोट मतलब अगर किसी चीज में न्यूमरेटर में ये है तो डायरेक्ट कोट, डिनोमिनेटर में ये है तो इनडायरेक्ट कोट. किसी ने बोल दिया न्यूमरेटर में होम करेंसी तो डायरेक्ट कोट, डिनोमिनेटर में फॉरेन करेंसी तो डायरेक्ट कोट. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली जो डेफिनेशन है वो सरासर गलत है सर. आपकी 90% जगह पे वो काम आ सकती है क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी तक वैसे एग्जाम लेता था, बट जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही कोटेशंस दिए हुए हो. अगर आपको ऐसा कोटेशन दिया हुआ रहा, ध्यान देंगे सर, तो सर इसमें कुछ भी न्यूमरेटर नहीं है, कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, प्लेन हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है. यहाँ पे कोई नई डेफिनेशन आप बनाओगे और वापस आपके दिमाग में डालोगे वो सब गलत हो जाएगा. लॉजिक पे ध्यान दो, बहुत ही सिंपल सी बात है. कोई भी आपको एक्सचेंज रेट दिया हो सर, डिपेंड क्या करता है, ध्यान देना यहाँ पे पढ़ो, वेयर द वैल्यू इन एन एक्सचेंज रेट इज इन होम करेंसी. जो भी एक्सचेंज रेट में वैल्यू दी है अगर वो होम करेंसी में है तो वो डायरेक्ट कोट, अदरवाइज वैल्यू अगर फॉरेन करेंसी में है तो वो इनडायरेक्ट कोट हो गया. एग्जाम्पल के तौर पे सर USD INR मैंने ऐसा लिखा और मैंने लिखा, चलो पहले इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल सी बात बताता हूँ. रुपीज पर डॉलर है सर 70, तो आप इस चीज पे मत देखो डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट पे, आपको देखना है सर वैल्यू पे. और ये 70 क्या है सर,
INR है या USD है, यानी रुपीज है या डॉलर है, इफ दिस इज INR एंड INR इज योर होम करेंसी, देन दिस इज डायरेक्ट कोट, ठीक है। एंड इफ दिस इज USD और USD अगर आपकी फॉरेन करेंसी है तो दिस इज इनडायरेक्ट कोट, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है सर, ये 100% जगह पे काम आएगा। जो इक्का दुक्का परसेंटेज छूट रहा था ना, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब सेम टू सेम रेट, एक जन बैठा है मान लो इंडिया में, एक जन बैठा है US में। इंडिया वाला इस रेट को देखेगा कि यार INR इज माई होम करेंसी और 70 जो है वो है INR में है, 70 USD में है क्या? नहीं, ये सही लिखा मैंने, 70 रुपीज पर डॉलर, 70 इज 70, वॉट इज 70 INR, इसको देखना गलत है, इसको देखना गलत है, इसको देखना सही है, 70 को देखो। तो 70 क्या है सर? INR है, और INR इंडियन पर्सन के लिए होम करेंसी है, तो ये वाला कोटेशन इंडिया में जो बैठा हुआ बंदा है उसके लिए डायरेक्ट कोट है। लेकिन US की बात करते हैं, अब मैं US में बैठा हुआ हूँ और मेरे लिए मेरी होम करेंसी होती है सर डॉलर, और उसके अलावा जो भी करेंसी होगी फॉरेन करेंसी होगी। अब सेम कोटेशन रुपीज पर डॉलर 70 अगर मैं उसको दे दूं, तो 70 स्टिल इन INR, कोटेशन तो वही रहेगा, कोटेशन तो नहीं बदलता, तो 70 तो अभी भी INR में है, लेकिन US वाले के एंगल से INR इज फॉरेन करेंसी। सो US वाले के एंगल से INR इज फॉरेन करेंसी एंड दिस इज इनडायरेक्ट कोट फॉर द US पर्सन। सो सेम कोटेशन देख लो, मैंने कहीं कोट में चेंजेस नहीं किए, ना ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कोई बात की मैंने, बट सेम कोटेशन कैन बी इंटरप्रेटेड लाइक दिस। सो बात बहुत ही सिंपल सी है, वो जो 70 है वैल्यू इन एनी कोटेशन, इफ इट इज इन होम करेंसी इट इज डायरेक्ट कोट, इफ इट इज इन फॉरेन करेंसी इट इज इनडायरेक्ट कोट। आगे आते हैं ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप ये वाली चीजें काट दो, नो मोर वैलिड करके लिख दो उसमें। अच्छा, उसके बाद एक और जो रिलेशनशिप आता है वो आपको हमेशा याद रखना है, डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट इज इनवर्स रिलेशनशिप। सो डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1/ इनडायरेक्ट कोट, ये कभी भी नहीं भूलना सर, ठीक है। बाद में बात करते हैं सर बिड रेट एंड आस्क रेट की। बिड रेट क्या होता है? बिड रेट होता है बैंक का बाइंग रेट, आस्क रेट होता है बैंक का सेलिंग रेट। अब आप यहाँ पे गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 90% टाइम आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या आपको करवाया जाता है, तो बिड का मतलब होता है बैंक का बाइंग रेट, आस्क का मतलब होता है बैंक का सेलिंग रेट, यहाँ तक पढ़ते हैं और आप छोड़ देते हैं। आपको ये नहीं समझ में आता कि यार बैंक क्या खरीद रहा है और क्या बेच रहा है, कुछ भी खरीद रहा है और कुछ भी बेच रहा है ऐसा नहीं है। हर कोटेशन में दो करेंसी होती है, और क्या दोनों करेंसी बिड पे बैंक खरीदेगा, दोनों करेंसी आस्क पे बैंक बेचेगा? नहीं सर, बिड पे बैंक अंडरलाइंग असेट खरीदता है, आस्क पे बैंक अंडरलाइंग असेट बेचता है। अंडरलाइंग असेट के ऊपर मैं अपने चार्ट के पास में लिख के रखना सर, दिस इज बेस करेंसी। अंडरलाइंग असेट बोलने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? बेस करेंसी, बेस करेंसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां लिख के रखना, दिस इज बेस करेंसी अंडरलाइंग असेट। नाउ अंडरलाइंग असेट बेस करेंसी हो गया। अब ध्यान दो, डायरेक्ट कोट का इनवर्स रिलेशनशिप है इनडायरेक्ट कोट पे, ठीक है। कोई भी कोटेशन जब आपको बिड और आस्क में दिया जाता है तो वो इस तरह से दिया जाएगा, ये रहा। अब इस चीज को अच्छे से देखो, ये 15 मई 2019 का चार्ट है, एक्सचेंज रेट दिए हैं आपको, 2 बजे के मैं एक्सचेंज रेट निकाल के बैठा हूँ, और ये इंडिया में लगाया हुआ चार्ट है, तो रुपीस के अगेंस्ट में आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ शायद लिखना भूल गया होगा तो आप लिख लो, रुपीस के अगेंस्ट में दिया हुआ चार्ट है ये, ठीक है। अब आप देखोगे कि करेंसी है आपको दी हुई डॉलर, यूरो, GBP और जापानीज येन, बाइंग रेट दिया है बैंक का और सेलिंग रेट भी दिया है बैंक का, और ये जितनी भी करेंसीज यहाँ पे आपको ये वैल्यू दी है ये सारी की सारी रुपीज में है, क्योंकि इंडिया में ये चार्ट लगा हुआ है, तो इंडियन करेंसी लेके, वहां की खुद की लोकल करेंसी लेके दूसरी करेंसी बेची जाएगी, ठीक है। इंडिया में तो आप एक्सचेंज डीलर के पास रुपीज लेने नहीं जाओगे, इंडिया में अगर डीलर के पास जा रहे हो तो आप रुपीज लेने नहीं जा रहे, आप फॉरेन करेंसी लेने जा रहे हो या फॉरेन करेंसी बेचने जा रहे हो, ये चीज में डिफरेंस है, ठीक है। सो फॉरेन करेंसी खरीदना और फॉरेन करेंसी बेचना, ठीक है। अब ध्यान देंगे बहुत ही प्लेन दिमाग से, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा सर आपको। ये जो वैल्यूज दी है सर, ये 68.17 ये सारी रुपीज में दी हुई है, एंड दिस इज माई होम करेंसी रुपीज, तो ये सारे के सारे मेरे लिए डायरेक्ट कोट है,
ठीक है, बिड रेट और आस्क रेट की बात करते हैं। बिड रेट यानी बैंक का बाइंग रेट, यानी कि आप अगर ध्यान दोगे तो ये जो 68.17 है, इस रेट पे ये बैंक का बाइंग रेट है, बिड रेट। और ये जो 72.98 है, ये बैंक का सेलिंग रेट है। अब बाय सेल बोलो या फिर यहाँ पे बिड या आस्क बोलो, बात सेम पड़ती है। एक सेकंड, बात सेम है। दिस इज फर्स्ट वाला रेट जो है बिड, दूसरा वाला रेट जो है आस्क। हमेशा एक चीज याद रखना, बिड रेट कभी भी आस्क से कम होगा। आप यहां पे देख लो, दोनों तीनों जगह पे बिड रेट हमेशा आस्क रेट से कम दिख रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि बैंक इस रेट पे खरीदती है। हिंदी में लिख के देख रहा हूं, मेरे को आता है कि खरीदना, खरीदना ना, और बैंक इस रेट पे बेचती है। और बैंक वहां पे चैरिटी करने के लिए नहीं है, सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आपको फॉरेन एक्सचेंज दे रही है, बैंक प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो कोई भी जब खरीदना चाहेगा तो वो कम अमाउंट में खरीदना चाहेगा, ठीक है, कम अमाउंट में खरीदना चाहेगा और ज्यादा अमाउंट पे बेचना चाहेगा। बात सही है। तो हमेशा लो रेट होगा बिड वाला और आस्क रेट हमेशा हाई होगा, ताकि दोनों के बीच में प्रॉफिट निकाला जा सके। तो बैंक ज्यादा रेट पे बेचेगी, कम रेट पे खरीदेगी और प्रॉफिट कमा लेगी। सो $1.70 में खरीद के अगर 72 में बेच रही है तो बैंक का प्रॉफिट है 2 रुपए का। ये जो 2 रुपए, इसे कहा जाता है स्प्रेड। स्प्रेड मतलब आप कितना कमा रहे हो उस पर्टिकुलर कोटेशन में, 70-72 अगर रेट है तो। ठीक है सर, तो आपको बिड रेट समझा, आस्क रेट समझा, ठीक। लेकिन आपने ये चीज यहाँ पे गलती नहीं करनी है। पढ़ना किस तरह से है सर? 68.17 इज द बैंक्स बाइंग रेट फॉर अंडरलाइंग असेट विच इज US डॉलर। बैंक 68.17 में डॉलर खरीदती है, 72.98 में डॉलर बेचती है। डॉलर खरीदती है, डॉलर बेचती है, उसके बाद में यूरो खरीदती है, यूरो बेचती है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ तो काफी टाइम लग जाएगा अपन को, बट ये चीज बस आप अंडरलाइंग असेट करके याद रखना। उसके बीच में अब उसके बाद क्या आता है सर? बिड एंड आस्क, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट का रिलेशनशिप। डायरेक्ट कोट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट कोट। उसके बाद में बिड, कोई भी कोटेशन होगा भले ही डायरेक्ट कोट क्यों ना हो, ठीक है, लेट से रुपीज पर डॉलर का डायरेक्ट कोट दिया है 70 और 72। तो अब ये जो इतना पार्ट दिया है, ये डायरेक्ट कोट है पहली बात तो, क्योंकि 70-72 इज इन रुपीज विच इज माई होम करेंसी। उसके बाद में ये बिड पॉइंट है, ये आस्क पॉइंट है। किसी भी डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर एक ही रेट दिया रहता तो मैं 1 बाय कर लेता, आंसर आ जाता। लेकिन यहां पे याद रखना, आपने क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व किए होंगे, जब आप इसको डायरेक्ट को, टू वे कोटेशन है ये, दो रेट अगर इसके अंदर दिए बिड आस्क, तो ये दिस इज टू वे कोटेशन। टू वे कोट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय डॉलर पर रुपीज आएगा, अब क्योंकि रिवर्स हो गया, रुपीज पर डॉलर, डॉलर पर रुपीज। तो 1/72 लोगे यहाँ पे, 1/70 लोगे यहाँ पे, यानी कि दिस इज 1/ आस्क ऑफ द डायरेक्ट कोट एंड दिस इज वन बाय बिड ऑफ द डायरेक्ट कोट। 70 देखो, ये पार्ट इधर चले जाना चाहिए, ये पार्ट इधर आ जाना चाहिए, इतना दिमाग में रखना। इसके पीछे का रीजन इसके पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जब हमने बिड और आस्क का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो देखा था, वहां जाके आप वापस देखो कि क्यों हमने इन्वर्स किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। बिड एंड आस्क हो गया, उसके बाद में क्रॉस रेट्स की बात करते हैं। कहीं पे भी अगर आपको दो ऐसे रेट चाहिए लेकिन आपको दिए हुए नहीं, अभी दिस इज क्रॉस करेंसी। जैसे एग्जांपल, आपको INR और GBP का रेट चाहिए, लेकिन जब आपने मार्केट में देखा या क्वेश्चन में देखा तो आपको ऐसे रेट मिल रहे हैं INR पर USD और USD, INR GBP तो USD, और दूसरा है सर GBP का रेट। तो ऐसे टाइम पे आपको दिक्कत हो जाएगी, दिस इज, या फिर अभी मतलब उसको ऐसा पकड़ो, रुपीस पर पाउंड आपको चाहिए, लेकिन आपने देखा कि सर हमको तो रुपीस पर डॉलर दिया है और यहाँ डॉलर पर पाउंड दिया हुआ है। ठीक है, रुपीस पर डॉलर 70 और यहाँ पे पाउंड दिया हुआ है 72, सॉरी 72 कैसे होएगा,
यहाँ दिया हुआ है 1.20, लेट से ऐसा रेट दिया हुआ है। अब आपको तो चाहिए 100 रुपीज़ पर पाउंड, तो जब भी कभी ऐसे रेट चाहिए होते हैं वहाँ पे हम क्रॉस करेंसी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉस रेट्स इसको कहा जाता है, क्रॉस रेट। तो अब अगर हमको क्रॉस रेट निकालना है रुपीज़ पर पाउंड का, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ए बाई सी इज इक्वल टू ए बाई बी, याद होगा आपको, तो इंटू बी बाई सी, सो दैट बी बी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ए बाई सी। सो यहाँ पे हमारे लिए ए बन रहा है रुपीज़ और सी बन रहा है पाउंड, तो ये आ गया रुपीज़ और ये आ गया सर पाउंड पहले तो, उसके बाद में रुपीज़ पर डॉलर। बी क्या बना? डॉलर बना जो बचा हुआ है, और उधर डॉलर। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आप एक लो रुपीज़ पर डॉलर का रेट, दूसरा लो डॉलर पर पाउंड का रेट, तो ये इस तरह से कैंसिल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रुपीज़ पर डॉलर का रेट सर आपको दिया हुआ है 70 और यह है 1.20, तो आपका फाइनल रेट आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक कहानी खत्म। दिक्कत कब आती है मैं आपको ये बताता हूँ। वन वे कोट बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, प्रॉब्लम आती है टू वे कोट्स में। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको रुपीज़ पर डॉलर 70, सॉरी रुपीज़ पर डॉलर ले लो 70, 72 दिया हुआ है, ठीक है, और डॉलर पर पाउंड 1.20 और 1.40 दिया हुआ है, और आपको निकालना है सर रुपीज़ पर पाउंड। तो यहाँ पे फिर से क्रॉस रेट्स वाला यूज़ करना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, जब टू वे कोट आ गया यानी कि बिड और आस्क दोनों आ गया, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, बिड ऑफ रुपीज़ पर पाउंड अलग से निकालोगे आप और आस्क ऑफ रुपीज़ पर पाउंड अलग से निकालोगे आप। और जब ऐसे निकालोगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर बाहर में बिड है तो यहाँ पे भी बिड होना चाहिए, रुपीज़ पर डॉलर इंटू बिड ऑफ डॉलर पर पाउंड, यहाँ पे भी आस्क ऑफ रुपीज़ पर डॉलर इंटू आस्क ऑफ डॉलर पर पाउंड। ठीक है, फटाफट लिख रहा हूँ इसलिए पाउंड बराबर नहीं आ रहा, ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। अब गलती से अगर आपको ये डॉलर पर पाउंड नहीं दिया रहता और ये आपको पाउंड पर डॉलर दिया रहता, तो पहले इस चीज़ को आप कन्वर्ट करोगे और फिर यहाँ लिखोगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है सर, आगे आते हैं, यहाँ ध्यान देना। क्रॉस रेट्स में सबसे पहला फॉर्मूला ए बाई सी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू बी बाई सी, दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट वी हैव लर्नड इन आर मैथ्स क्लास, ठीक है, पहले जब हम बच्चे थे। फिर उसी चीज़ को हमने क्या किया, आई एन आर बाई जी बी पी इज इक्वल टू आई एन आर बाई यू एस डी इंटू यू एस डी बाई जी बी पी, ठीक है, तो यूएसडी यूएसडी से कैंसिल होता है वैसे देखा जाए तो। बट अगर वही ये वन वे कोटेशन के काम टाइम पे काम आएगा, लेकिन टू वे कोट्स अगर आपको दिया बिड और आस्क, तो फिर बिड ऑफ आई एन आर पर जीबीपी, एक बिड तो सारे बिड, एक आस्क तो सारे आस्क। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना बस। सो ध्यान देना यहाँ पे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट पार्ट आता है सर आपका स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट क्या होता है? स्पॉट रेट एक ऐसा रेट है, अगर आपको कोई भी एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन करना है फॉरेन एक्सचेंज का और आज सेटलमेंट करना है, भले ही खरीदना हो या बेचना हो, तो उसके लिए स्पॉट रेट काम आएगा। लेकिन अगर आप आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि 3 महीने बाद में डॉलर्स में बेच दूंगा, डॉलर्स में खरीद दूंगा, या कोई भी करेंसी दूसरी फॉरेन करेंसी बेच दूंगा या खरीद लूंगा फ्यूचर में, उसके लिए आप आज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आज रेट फिक्स कर सकते हैं, आज क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं। बैंक के पास जाइए और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके आइए, तो बैंक आपको आज एक रेट दे देगा कि चलो ठीक है 3 महीने बाद में आके ये रेट पे हम सेटल कर लेंगे। तो जब फ्यूचर का कोई रेट दिया जाता है या फ्यूचर सेटलमेंट का कोई रेट दिया जाता है, उसे फॉरवर्ड रेट कहते हैं, अदरवाइज आज अगर सेटल करना है तो स्पॉट रेट कहते हैं। रेट एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इंटू अनदर करेंसी एट स्पॉट, फॉरवर्ड रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इंटू अनदर करेंसी एट सम फ्यूचर डेट। अगर एट स्पॉट कन्वर्ट करना है, ध्यान देना, अगर एट स्पॉट कन्वर्ट करना है
तो स्पॉट रेट, और अगर कोई फ्यूचर डेट पे कन्वर्ट करना है तो फॉरवर्ड रेट, जैसे कि टाइम आपका हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ऐसा। नेक्स्ट चीज आती है सर आपकी, सेकंड लास्ट है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इन एनी करेंसी। बहुत ही सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगर रुपीज़ पर डॉलर आपका 70 दिया है और आज से 2-3 महीने बाद में रुपीज़ पर डॉलर आपका 72 होने वाला है, तो कितना परसेंट एप्रिशिएट होने वाला है या कितना परसेंट डेप्रिशिएट होने वाला है ये निकालना, यानी एप्रिशिएशन या डेप्रिशिएशन निकालना। बस इसमें दिक्कत क्या आ गई कि हम जब बात कर रहे हैं कि कितना परसेंट एप्रिशिएट होने वाला है और कितना परसेंट डेप्रिशिएट होने वाला है, इसमें हमने ये नहीं बताया कि सर क्या एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन रुपीज़ में भी निकाला जा सकता है, एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन डॉलर में भी निकाला जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर कट माइंड में रख लो, रुपीस पर डॉलर में बेस करेंसी है आपकी डॉलर, दिस इज योर बेस करेंसी, या आप अंडरलाइंग असेट भी बोलो, एंड रुपीस इज योर होम करेंसी, ठीक है। अब आप एप्रिसिएशन निकालो कि डेप्रिसिएशन निकालो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला अलग अलग होता है जब आप एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बेस करेंसी में निकालना चाहते हो या फिर आप होम करेंसी में निकालना चाहते हो। अगर आप बेस करेंसी में निकालना चाहते हो तो सबसे पहले ये जो 70 दिया है इसको मैं नाम दूंगा स्पॉट रेट, इसको मैं नाम दूंगा फॉरवर्ड रेट, क्योंकि आगे का रेट है। तो फॉरवर्ड फ्यूचर का स्पॉट रेट मानो या फिर आज दिया हुआ फॉरवर्ड रेट मानो। सो एस और एफ मैंने नाम दे दिया। अगर मेरे को प्रीमियम एप्रिसिएशन निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, 72 - 70 / 70। मेरा डॉलर बेस करेंसी 70 से 72 तक पहुंचा तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो गया कि सर 2 रुपये बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, 70 से बढ़ा, ठीक है। 2 रुपये बढ़ा 70 से, 2 रुपये डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हुई है। 1 डॉलर खरीदने के लिए पहले 70 रुपये देने पड़ते थे, अब 72 रुपीज देने पड़ते हैं उसी डॉलर को खरीदने के लिए। क्या महंगा हो गया? डॉलर महंगा हो गया। डॉलर महंगा होना यानी एप्रिशिएट होना यानी प्रीमियम पे जाना। सो आप बोल सकते हो सर आप अभी क्या निकाल रहे हो पता है, डॉलर कितना महंगा हुआ, डॉलर कितना एप्रिशिएट हुआ, या डॉलर कितने प्रीमियम पे है, महंगा एप्रिशिएट प्रीमियम, ठीक है। तो इसका कुछ आंसर आपका आएगा 2 / 70, दैट्स 2.86% डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है, अगर आपको होम करेंसी में अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालना है तो होम करेंसी जो है पहले रुपीज 70 देने पड़ते थे 1 डॉलर के लिए, अब रुपीज 72 देने पड़ते हैं उसी 1 डॉलर के लिए, तो मेरे रुपीज की वैल्यू गिर गई क्योंकि ज्यादा देने पड़ रहे हैं। डेप्रिसिएशन है तो आंसर निगेटिव में ही आएगा, एप्रिसिएशन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और उसके लिए आपका यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, ये याद रखना। अच्छा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा क्या? नहीं लिखा। ये देखो 72 क्या था सर, आपका फॉरवर्ड रेट था, 70 आपका स्पॉट रेट था, और बाद में 70 था स्पॉट रेट। तो एफ माइनस एस डिवाइडेड बाय एस, ये है एफ माइनस एस डिवाइडेड बाय एस आपका असेट करेंसी में अगर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालना है। यहाँ पे लिख कर रखो बेस, बेस करेंसी या असेट करेंसी। वहीं अगर आपको होम करेंसी में या प्राइस करेंसी में निकालना है, होम करेंसी तो नहीं बोलूंगा मैं, होम करेंसी नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैंने होम लिखा है क्या, सॉरी होम नहीं, होम गलत हो जाएगा, प्राइस करेंसी। तो अगर आपको यहाँ पे प्राइस करेंसी में निकालना है तो फॉर्मूला में ध्यान दो क्या चेंजेस आ रहे हैं, एस माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ, बेसिस यहाँ पे स्पॉट था, बेसिस यहाँ पे फॉरवर्ड है, ऊपर में एफ माइनस एस था, यहाँ पे एस माइनस एफ है। तो एस माइनस एफ यानी कि 70, फॉरवर्ड 72, डिवाइडेड बाय 72। हमने क्या बोला, रुपीज की वैल्यू गिर रही है, तो कहां से गिर रही है, 72 से गिर रही है रुपीज। डॉलर कहां से अप्रिशिएट हो रहा है, 70 से अप्रिशिएट हो रहा है। तो ये चीज आपको यहां पे कंसिडर करना जरूरी है, जितना डॉलर अप्रिशिएट हुआ उतना ही रुपीज डेप्रिशिएट हुआ, ये बराबर नहीं है, दोनों का परसेंटेज अलग अलग आएगा। तो अगर आप ये कैलकुलेट करके देखेंगे तो दिस इज 2 / 72, सो दैट विल गो टू -2.77%, और वो कितना आया था, 2.86% पॉजिटिव। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा सर इतना परसेंट, 2.86% डॉलर एप्रिशिएट हुआ, तो 2.77% रुपीज डेप्रिशिएट हुआ, दोनों का फॉर्मूला अलग है। अच्छा, तो एप्रिशिएशन इन बेस करेंसी का फॉर्मूला क्या है सर, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाय स्पॉट।
नॉर्मल वाला फॉर्मूला, और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन प्राइस करेंसी का फॉर्मूला क्या है सर, कि सर फॉरवर्ड माइनस सॉरी स्पॉट माइनस फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड, और ये 12/n क्यों किया? अगर आप ये जो निकला है ये सर आपका पूरा का पूरा दो पीरियड के बीच का निकला है, सो अगर ये एक साल है तो ये परसेंटेज जो निकला ये एक साल का निकला। अगर आपको एक साल का रेट दे के 3 महीने का ही एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालना, सॉरी ये तो एक साल का है ठीक है, कहानी खत्म हुई, लेकिन 70 और 72 यहाँ दिया हुआ है और 3 महीने का ही रेट दिया है, बट आपको जो प्रीमियम निकालना है डॉलर में वो पर एनम अगर निकालना है तो 3 महीने का तो पहले निकाल लो जितना आ रहा है 2.86, उसके बाद इसको पर एनम में कन्वर्ट करना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आपने निकाला ये तो 3 महीने का है, 3 महीने के रेट लेके 3 महीने का रेट निकला। सो इफ दिस इज 3 मंथ का तो 12 महीने का कितना, तो 12/3 तो करेंगे ना, वैसे यहाँ पे 12/n कर रहे हैं नंबर ऑफ मंथ्स। सो अगर मंथ्स है तो नंबर ऑफ मंथ्स लेंगे, डेज है तो डेज लेंगे यहाँ पे, तो ऊपर में जो है वो 365 आ जाएगा, नीचे में डेज ले रहे हो तो ऊपर में 365 आ जाएगा, याद रखना। सेम वही आपको मैं दूसरी जगह भी दिखा देता हूँ, दिस इज वन वेबसाइट, आप अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, calculatorsoup.com, अगर आपको पता करना है कि नहीं सर सही में ऐसा कुछ है क्या। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बेस करेंसी इज GBP, कोट करेंसी इज INR, ठीक है। हमने एक एक्सचेंज रेट ले लिया स्पॉट रेट जिसको मैं बोलूंगा 90 रुपए, और आप फॉरवर्ड रेट ले लो दूसरा एक्सचेंज रेट जिसको हम बोलेंगे 95, ठीक है। तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि सर पाउंड पहले 90 रुपए में मिल रहा था, अब 95 रुपए में मिल रहा है, तो पाउंड की वैल्यू बढ़ गई और रुपी की वैल्यू गिर गई, और दोनों का परसेंटेज अलग अलग आएगा। लेट्स प्रेस द कैलकुलेटर का कैलकुलेट। अब यहां पे ध्यान दो, रिलेटिव टू GBP INR इज डेप्रिशिएटेड बाय 5.26%, वेर एज रिलेटिव टू INR GBP इज एप्रिशिएटेड बाय 5.5556%। दोनों का परसेंट, GBP अप्रिशिएट तो हुआ है लेकिन परसेंटेज देखो उसका, और INR डेप्रिशिएट तो हुआ है उसका परसेंटेज देखो, दोनों अलग है बिकॉज दोनों में अलग फॉर्मूले लगे। और क्या फॉर्मूला अलग है बताऊं, सिर्फ एक चीज का बेसिस, बेसिस। अगर कोई चीज डेप्रिशिएट हुई तो उसका बेसिस अलग है, कोई चीज अप्रिशिएट हुई तो उसका बेसिस अलग है। आई बात समझ में? डेप्रिशिएट होना मतलब गिरना, तो गिरेगा कहां से, टॉप से गिरेगा ना, वो वाला बेसिस होना चाहिए। बढ़ रहा है तो नीचे से बढ़ेगा, तो वो बेसिस होना चाहिए। बस बेसिस बदला, आखिरी में परसेंटेज बदले, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है सर स्प्रेड एंड स्वैप का, स्प्रेड क्या होता है और स्वैप क्या होता है। ध्यान देंगे, स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क, स्वैप इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड। ऐसे बोल के थोड़ी काम खत्म होगा। ध्यान दो, अगर आप आज सेटलमेंट करना चाहते हो, रुपीज पर डॉलर दिया है, स्पॉट रेट आपको 65.4025 और 65.4250, ये बिड रेट और आस्क रेट दिया है, बैंक असेट खरीदेगी। अब इसमें असेट कौन सा है, ये जो रेट दिया रुपीस पर डॉलर में, और इसमें असेट कौन सा है, डॉलर। बैंक इस रेट पे डॉलर खरीद रही है, बैंक इस रेट पे डॉलर बेच रही है, ठीक है। आज अगर डॉलर खरीदना और बेचना हो तो ये रेट, कल अगर डॉलर खरीदना और बेचना हो तो ये रेट, कल मतलब फॉरवर्ड में कभी भी, ठीक है। तो बैंक 65.4025 में खरीद के 65.4250 में बेच रही है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 225 पॉइंट्स, 225, 225, सॉरी 225 पॉइंट्स का जो डिफरेंस आ रहा है बिड और आस्क में, उसे कहा जाता है ये बैंक की कमाई है। बैंक इतना पैसा कमा रहा है $1 खरीद के उसी डॉलर को बेच के, ठीक है। सो वो स्पॉट के बिड आस्क में डिफरेंस हो या फॉरवर्ड के बिड आस्क में डिफरेंस हो, बिड और आस्क का डिफरेंस इज द स्प्रेड पॉइंट, एंड स्पॉट एंड फॉरवर्ड का डिफरेंस इज द स्वैप पॉइंट्स। तो स्वैप पॉइंट्स का पर्पस क्या है, फॉरवर्ड रेट निकालना। सो ध्यान देना, 65.4025, 65.4100, इन दोनों में डिफरेंस है 75 पॉइंट का। सो अगर आप 75 पॉइंट इसमें ऐड कर देते हो, एक सेकंड ना होल्ड करना, सॉरी,
तो अगर आप स्पॉट रेट में 75 पॉइंट ऐड कर देते हो तो आपका फॉरवर्ड आ जाएगा, और अगर बिड में और अगर आस्क वाले स्पॉट रेट में आस्क के पॉइंट ऐड कर दोगे तो आपका आस्क फॉरवर्ड रेट आ जाएगा. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वैप पॉइंट? टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्रेड पॉइंट्स? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट दैट द बैंक इज अर्निंग. अब हमेशा याद रखना एक चीज, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लिख लेना. यहाँ पे मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, फॉरवर्ड. अच्छा छोड़ो, यहाँ पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपने चार्ट में लिख लेना वो चीज़ वहाँ पे और लिखनी चाहिए थी जो छूट चुकी है. फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट प्लस स्वैप, ठीक है. अब वो बिड है तो बिड में बिड के स्पॉट में बिड का स्वैप ऐड होगा, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बिड पॉइंट्स आर लेस देन आस्क. अब अगर आप ध्यान दोगे वापस से, तो बिड के जो स्वैप पॉइंट्स है 75, वो आस्क के स्वैप पॉइंट से कम है. और कभी भी अगर बिड पॉइंट्स कम निकले आपके, ठीक है, कभी भी अगर बिड पॉइंट्स कम है 75 और आस्क पॉइंट ज्यादा, इसका मतलब इससे पता चलता है कि बैंक क्या एस्टिमेट कर रही है आगे जाके एक्सचेंज रेट कहाँ जाएंगे. सो कभी भी अगर बिड कम है तो यानी बैंक सस्ते में कम में खरीदेगी और ज्यादा में बेचेगी, यानी बैंक अप्रिशिएट कर रही है. बैंक ये कह रही है कि जो हमारी अंडरलाइंग असेट है डॉलर, ये अप्रिशिएट होगी, ये अप्रिशिएट होगी यानी बढ़ेगी, तो हम और ऐड करके ही फॉरवर्ड रेट निकालेंगे. लेकिन अगर आपका बिड पॉइंट ज्यादा होता आस्क से, तो आप फॉरवर्ड रेट निकालते स्पॉट माइनस स्वैप करके. ये चीज याद रखना. तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? प्लस और माइनस का. हम स्वैप पॉइंट्स ऐड करेंगे अगर बिड पॉइंट्स आस्क से कम है तो, क्योंकि तब बैंक एक्सपेक्ट कर रही है कि सॉरी अपना अंडरलाइंग असेट अप्रिशिएट होगा. लेकिन अगर मान लो यहां पे लिखा होता 150 और 125, तो कोई भी बैंक क्यों अपना खरीदने वाला रेट ज्यादा से बढ़ाएगी और बेचने वाला रेट कम से बढ़ाएगी, है ना? अगर खरीदने वाला रेट ज्यादा है और बेचने वाला रेट कम है तो बैंक बढ़ा नहीं रही है, बैंक गिरा रही है. सो बैंक की एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके हमारा असेट डेप्रिशिएट होगा, और अगर डेप्रिशिएट होना है तो माइनस करो. सो 150 अब माइनस होंगे इसमें से, और 125 भी माइनस होगा आस्क में से. आई बात समझ में? बिड अगर छोटा है तो ऐड करेंगे, बिड अगर बड़ा है तो लेस करेंगे. सो दिस इज व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ इन द लास्ट 30 मिनट्स. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था. और एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, रुपीज पर डॉलर 70. तो आप इसमें एस्टिमेट करते हो, सॉरी आप इसमें कैसे पता लगाओगे कि अंडरलाइंग असेट कौन सा है? सर अंडरलाइंग असेट डॉलर है, क्योंकि डॉलर बेचा जा रहा है 70 रुपए में. बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है? अब मैं आपको रेट दे देता हूं यूएसडी आईएनआर. कंफ्यूजन आपको पूरे किताब में क्यों होगा पता है? कहीं आपको रुपीस पर डॉलर 70 मिलेगा, कहीं आपको यूएसडी आईएनआर 70 मिलेगा, और आप पढ़ने में गलती कर देते हो, क्योंकि यहाँ रुपीस पहले लिखा है तो आपका पढ़ने का एक तरीका बन गया रुपीस पर डॉलर. तो आप इस चीज को भी वैसे ही पढ़ते हो, यूएसडी पर आईएनआर 70. गलत है. जब भी आईएसओ कोड में कोटेशन दिया हुआ होगा, अभी से याद रख लेना, आईएसओ कोड में कोटेशन दिया होगा तो उसकी पहली करेंसी या पहला कोड बेस करेंसी होता है, दूसरा कोड प्राइस करेंसी होता है. और जब भी ऐसे रुपीस पर डॉलर में आपको दिया हुआ है, हमारी किताबों में ज्यादा रहता है बाहर में नहीं, और जब भी ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब नॉर्मली ये है कि पहली वाली आपकी जो करेंसी है दिस इज प्राइस एंड दिस इज बेस, है ना? उल्टा. तो रुपीस डॉलर 70 को कैसे पढ़ोगे? रुपीस पर डॉलर 70. और यूएसडी आईएनआर 70 को कैसे पढ़ोगे? आईएनआर पर यूएसडी 70. तो दोनों को पढ़ सेम तरीके से ही रहे हो. दोनों का मतलब INR 70 फॉर USD 1 ही होता है. दोनों का मतलब इसमें ऐसे पढ़ रहे हो, उसमें ऐसे पढ़ रहे हो, क्योंकि प्राइस पहले पढ़ोगे ना सर,
प्राइस पर बेस, प्राइस पर बेस करेंसी। सिर्फ कुछ कुछ जगह ऐसा है जहां पे इंस्टीट्यूट ने गलती की है, गलती बोलूंगा मैं, डॉलर पर रुपीस भी 70 लिखा, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बट ठीक है, यह सब अब दिमाग में मत डालो, सही चीज दिमाग में डालो, 99% ऑफ द टाइम यू आर यू विल बी राइट। मतलब ऐसे अप्रिशिएट इंटरप्रिट करके तो 100% ऑफ द टाइम यू विल बी राइट। सो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ रिविजन वाले पार्ट पे, और आपको प्रैक्टिस मैनुअल से गो थ्रू कराता हूँ कुछ क्वेश्चंस। मतलब तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंटरप्रेट करना है। तो जो लोग इस चीज को छोड़ना चाहते हैं तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, उतना पार्ट छोड़ के मैं प्रैक्टिस मैनुअल अभी बताने वाला हूँ। प्रैक्टिस मैनुअल के बाद वापस मैं रिविजन वाले पार्ट पे आऊंगा, ठीक है। और इस चीज पे मैं टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम गलतियां होती है बच्चों की। सो दिस इज फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो मैंने प्रैक्टिस मैनुअल उठाई है, दिस इज 2018 एडिशन, लेटेस्ट एडिशन जो था इंस्टीट्यूट का वो। अभी ध्यान दो, मैंने आपको दो चीजें बताई, या तो आपको सिंबॉल में कोटेशन दिया रहेगा या तो आईएसओ कोड में कोटेशन दिया रहेगा। अगर सिंबॉल में दिया है तो प्राइस पर बेस करेंसी होना चाहिए, और अगर आईएसओ कोड में दिया है तो बेस करेंसी और प्राइस ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन पढ़ना उसको बाद की प्राइस, आईएनआर पर यूएसडी ही है। दोनों केस में आईएनआर पर यूएसडी ही पढ़ रहे हो, ये रहा, ठीक है। 70, सो ध्यान दो, अभी यहां पे जो आपको रेट दिया है, दिस इज यूएस डॉलर के लिए रुपीज का रेट दिया हुआ है ये, तो ये तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है रुपीज पर डॉलर ही है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, यहां इन्होंने क्या किया, कैनेडियन डॉलर 2.5 पर पाउंड, तो ये भी कैसा दिया हुआ है, डॉलर पर पाउंड ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे पढ़ना ऐसा ही है, पहली वाली करेंसी पर पाउंड, ठीक है, जब तक सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद यहां पे देख लो, यहां पे तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि 1 डॉलर के लिए इतने INR, तो अगर आपको लिखना है तो आप दो तरीके से लिख सकते हो इसी को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल, कि INR, सॉरी, लिखना अगर है आपको तो आप उसको सिंबल में लिखो रुपीस पर डॉलर, या तो आप उसको लिखो USD INR, दोनों का मतलब सेम है यहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन में उन्होंने अलग अलग क्लियर कट लिखा है कि 64.50 पर डॉलर है, तो ये भी उसी तरीके से लिखा है रुपीस पर डॉलर, तो मैं उसको पढ़ भी पहली करेंसी पर दूसरी करेंसी रहा हूं सिंबल में जब तक दिया हुआ है। यहाँ पे भी वही चीज लिखी है, यहाँ पे देखो पर पाउंड डॉलर इज दिस मच, तो क्लियर कट लिखा है कि डॉलर पर क्या है, 1 यूनिट इज पाउंड, तो ये अपनी बेस करेंसी हो गई, अंडरलाइंग असेट, और ये है अपनी प्राइस करेंसी। तो अगर आपको इसको लिखना है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो डॉलर पर पाउंड, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने वही लिखा है सर, डॉलर पर पाउंड बिड, डॉलर पर पाउंड, इंटरप्रिटेशन भी यही निकलता है। इंटरप्रिटेशन उल्टा कब निकलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़े टाइम रुक जाओ बस। अब ये लोग ना गलती ये चीज करते हैं, यहाँ पे इन्होंने INR बाय US और डॉलर सिंबल में लिखा, अब यहाँ इन्होंने गलत चीज लिखी। चलो यहाँ पे रुपीज का सिंबल देके तो क्लियर कट कर दिया कि सर 62.22 रुपीज है, तो जो दूसरी करेंसी बची है इस कोटेशन में वो पर यूनिट हो गई, तो यूएस डॉलर पर यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अभी इसको देख के क्लियर कट पता चल रहा है कि सर ये रुपीज पर डॉलर है जो हमको इंटरप्रिट करना है, लेकिन यहां पे देख के गलत इंटरप्रिटेशन आता है क्योंकि ये आईएसओ कोड में लिखने की कोशिश की गई है। आखिरी में आईएसओ कोड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने सिंबल की जगह डी की जगह डॉलर लिख दिया, ठीक है। सो ये आईएसओ कोड में काउंट नहीं हुआ, इसीलिए उसको INR पर यूएस डॉलर ही पढ़ा जाएगा। जब आईएसओ कोड रहेगा सारा, अगर ये USD रहता तो आप उसको कैसे पढ़ते, पता है, USD पर INR, ठीक है, बट नहीं दिया हुआ है, ये लिखना गलत है। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पे यूएस डॉलर और एचके डॉलर पर, मतलब वो प्राइस करेंसी हो गई और जो 1 यूनिट में है वो आपके बेस करेंसी हो गई, और एक दो रेट लेके मैं कहानी खत्म करता हूँ। अब यहां पे कैसे इंटरप्रेट करना, सर मुंबई लंदन का रेट दिया है 74.30,
अब 74.30 क्लियर कट ये तो समझ में आ रहा है कि रुपीज़ में दिया हुआ है, तो दूसरा कौन सा है? मुंबई में रुपीज़ चलेगा, लंदन में क्या है सर? पाउंड। तो ये पर पाउंड रेट है, तो बेस करेंसी हमारी होगी पाउंड, एंड दिस इज़ बिड रेट, दिस इज़ आस्क रेट। ये तो समझ में आता है आपको, कम वाला रेट बिड होगा, ठीक है। वैसे ही ये DKK और दूसरा DKK कोपेनहेगन का हो गया, लंदन का दूसरा बचा तो लंदन हो गया आपका पाउंड, तो पाउंड यहाँ पे हो गई बेस करेंसी। अंदर जितनी भी जो भी वैल्यू वाली करेंसी है वो आपकी DKK और रुपीस है। और एक जगह चलते हैं जहाँ पे ISO कोड आता है, ठीक है। ISO कोड अभी यहाँ देखो, यहाँ क्लियर कट ISO कोड है, 6 के 6 डिजिट आपके पूरे वैसे लिखे हुए। तो USD INR लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ोगे सर? INR पर USD। गलती यहाँ पे बच्चों ने की USD पर INR पढ़ने की, आदत है। USD पर INR नहीं है सर, दिस इज प्राइस करेंसी, दिस इज बेस करेंसी। तो प्राइस करेंसी बाय बेस करेंसी ही पढ़ोगे। INR पर USD इज 48.30, INR पर GBP इज 77.52, USD पर GBP इज 1.6231। सो ये हो गया US डॉलर, ये हो गया रुपीज, और ये हो गया आपका रुपीज, जो प्राइस करेंसी है वो यहाँ पे इसका सिंबल बनता है। समझा क्या? और कहीं दिया है तो मैं देखता हूँ आपको और बताता हूँ। अभी ये देख लो, अब इन्होंने ये चीज़ गलत लिखी है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट की गलती है। यहाँ पे इन्होंने सिंबल नहीं देना चाहिए सर, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट INR लिखना चाहिए। तो अब आप उसको कैसे पढ़ोगे? कोटेशन आपका ISO कोड INR पर US डॉलर, जब भी ISO कोड में लिखा है दूसरा वाला पार्ट प्राइस करेंसी होता है, पर बेस करेंसी पहला वाला पार्ट। सो दिस इज जो आपको रेट दिया है ना 49 पॉइंट, ये आगे बढ़ेगा यहाँ से। और उसके बाद USD बाय SGD लिखा है, तो ये क्या है पता है? कैसे पढ़ोगे इसको? SGD सिंगापुर डॉलर पर US डॉलर, सिंगापुर डॉलर पर US डॉलर। अभी यहां पे जो इन्होंने कोटेशन दिया, यहां पे इन्होंने डॉलर बाय DM लिख दिया, तो ये इसको जैसा है वैसा ही पढ़ो। US डॉलर पर ड्यूश मार्क 6.6560, क्योंकि ISO कोड नहीं है तो सीधा सीधा पढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखो ISO कोड नहीं है तो रुपीस पर डॉलर ही पढ़ोगे उसको, पहली करेंसी बाय दूसरी करेंसी। तो इन सब से आपको एक आइडिया आना चाहिए। यहाँ पे यहीं पे मैं इस चीज़ को क्लोज करता हूँ कि सर सिंबल में दिया है तो पहली करेंसी बाय दूसरी करेंसी पढ़ेंगे, और अगर ISO कोड में दिया है तो दूसरी करेंसी बाय पहली करेंसी पढ़ेंगे। अल्टीमेट मीनिंग शुड बी सेम, कॉन्सेप्ट समझो। मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या समझना क्या नहीं। पहला दूसरा वैसा कुछ होता नहीं है। रुपीस पर डॉलर प्राइस करेंसी बाय बेस करेंसी, और उधर भी USD INR अगर लिखा है तो दूसरी करेंसी जो होती है, दूसरा कोड जो होता है वो प्राइस करेंसी होती है। तो INR पर डॉलर ऐसा पढ़ोगे उसको, ठीक है। चलो वापस एक बार ऊपर से मैं सारी चीजें बताता हूँ। हमने चार टॉपिक देखने हैं, बेसिक्स, उसके बाद थेरीज इन फॉरेक्स, उसके बाद एक्सपोजर एंड उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। बेसिक्स में हमने 7 चीजें देखी सर। एक्सचेंज रेट क्या होता है? रेट एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी। डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट देखा हमने कि जो वैल्यू में, जो अगर वैल्यू आपकी किसी एक्सचेंज रेट में, होम करेंसी में, डायरेक्ट कोट फॉरन करेंसी में, इनडायरेक्ट कोट। उसके बाद में डायरेक्ट कोट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट कोट। बिड आस्क की बात करते हैं। बिड इज द बैंक्स बाइंग रेट फॉर अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग असेट को भूलना नहीं। आस्क इज द बैंक्स सेलिंग रेट फॉर अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग असेट को भूलना नहीं। उसके बाद में अगर बिड रेट टू वे को अगर आपको कन्वर्ट करना है, सॉरी बिड को आस्क में, सॉरी डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है, तो बिड इज इक्वल टू 1 बाय आस्क। डायरेक्ट कोट का बिड इज इक्वल टू 1 बाय इनडायरेक्ट कोट का आस्क। वैसे ही डायरेक्ट कोट का आस्क इज इक्वल टू 1 बाय इनडायरेक्ट कोट का बिड। क्रॉस रेट अगर है तो A/C इज इक्वल टू A/B × B/C। वैसे ही अगर आपको दो करेंसी, तीन करेंसीज है, तो रुपीज पर पाउंड इज इक्वल टू रुपीज पर डॉलर इंटू डॉलर पर पाउंड। और अगर एक बिड है तो सारे बिड, दूसरा आस्क आस्क है तो सारे आस्क। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट क्या होता है सर? स्पॉट रेट यानी कि अगर आपको आज फॉरेन करेंसी खरीदनी या बेचनी है और आज सेटल करना है तो स्पॉट रेट, और अगर कल सेटल करने के लिए, फ्यूचर डेट पे सेटल करने के लिए कोई अगर एक्सचेंज रेट चाहिए तो दैट इज फॉरवर्ड रेट। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में हमने देखा कि सर
फॉर्मूला डिफर नहीं करता एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन पे, दोनों का फॉर्मूला सेम है, एप्रिसिएशन हो या डिप्रिसिएशन। बस आप एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन असेट करेंसी में निकाल रहे हैं या बेस करेंसी में निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर प्राइस करेंसी में निकाल रहे हैं तो वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है सर, आंसर पॉजिटिव आया तो एप्रिसिएशन, निगेटिव आया तो डिप्रिसिएशन। असेट करेंसी का फॉर्मूला था एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 12 बाय एन, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाई स्पॉट इंटू 12 बाय एन, उसके बाद में स्पॉट माइनस फॉरवर्ड दूसरा वाला डिवाइडेड बाई फॉरवर्ड इंटू 12 बाय एन। ठीक है सर, स्प्रेड एंड स्वैप क्या होता है सर? बिड और आस्क के बीच का डिफरेंस, बिड और आस्क के बीच का डिफरेंस आपका स्प्रेड कहलाता है, और स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच का डिफरेंस आपका स्वैप कहलाता है। अगर स्वैप पॉइंट्स में बिड छोटा है तो ऐड करेंगे स्पॉट रेट के फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए, और अगर बिड पॉइंट बड़ा है तो माइनस करेंगे फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक आता है सर थेरीज इन फॉरेन फॉरेक्स। मैंने कहा था पहले वाले टॉपिक को थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। थेरीज इन फॉरेक्स, तीन थेरी हम देखेंगे सर फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट में तीन थेरीज है। एक तो है इंटर आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी, दूसरा आता है सर परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी। एक सेकंड पानी पीने दो, स्लिप हो रही है चीजें। थेरीज इन फॉरेक्स में तीन तरह की थेरी देखेंगे सर, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी, दूसरा है परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी, और तीसरा आता है सर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। अब ध्यान देंगे सर, सबसे इंपॉर्टेंट थेरी है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी आपकी एक ऐसी थेरी है जो बोलती है कि सर, एग्जांपल लेके समझाएंगे, दो कंट्री है इंडिया और यूएस, यहां पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं सर 2% के, और यहां पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं सर 8% के। ठीक है, और हमारा दोनों कंट्री के बीच का स्पॉट रेट है 70। तो बोलने का मतलब क्या है, ध्यान देना, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि अगर दो कंट्री के बीच में इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस एडजस्ट हो जाता है उन्हीं दो कंट्री के बीच के स्पॉट और फॉरवर्ड रेट के बीच। मतलब अगर किसी कंट्री को इंटरेस्ट रेट में फायदा मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट होने की वजह से अगर फायदा मिल रहा है तो उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होगी, तो INR डेप्रिशिएट होगा यहां पे। और अगर किसी कंट्री को, कंट्री का इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो उस कंट्री का जो कम इंटरेस्ट रेट है वो ऑफसेट होगा उस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होके। द लोअर इंटरेस्ट रेट करेंसी विल एप्रिशिएट एंड द हायर इंटरेस्ट रेट करेंसी विल डेप्रिशिएट। तो अगर किसी कंट्री को इंटरेस्ट रेट में फायदा है तो उसको एक्सचेंज रेट में नुकसान होगा। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट में फायदा हो रहा है तो वो ऑफसेट होगा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होके। अब हम लेमैन वाली बात करते हैं, बाकी सारे लॉजिक अलग रखते हैं। मैं सिर्फ बोलूं एक्सचेंज रेट भी अलग रखो, कोई एक्सचेंज रेट नहीं है सर। अगर मैं सिर्फ बोलूं यूएस में इंटरेस्ट रेट 2% है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट 8% है, तो आपका मन क्या बोलेगा, कहां पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? इंडिया में, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी है, तो सारा का सारा पैसा इंडिया में ट्रांसफर होगा, सारा का सारा पैसा। इंडिया वाले भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमेरिका वाले भी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा सर, इंडिया का तो पैसा इंडिया में ही रहेगा, आपने जो इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट भी इंडियन रुपीज में देना है। लेकिन अमेरिका वाले, बाहर वाले जो पैसे लेके आए थे और अब जब लेके जाएंगे तो ज्यादा लेके जाएंगे, तो आपकी कंट्री को यूएस डॉलर कम आए थे लेकिन ज्यादा देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ में, तो आपकी कंट्री में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, आपकी कंट्री डॉलर ज्यादा खरीदेगी। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बाहर वालों को देना है ना ज्यादा, आपके पास तो $100 आए थे लेकिन 105 देना है, तो आपकी कंट्री को $5 एक्स्ट्रा खरीदना है इंडिया को, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर एप्रिशिएट होगा। अल्टीमेट कंक्लूजन इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का क्या है? कम इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी, ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होगी। तो एक जगह फायदा तो दूसरी जगह नुकसान हो जाएगा, और उस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता था 1+rate of domestic country divided by 1+rate of foreign country इज इक्वल टू फॉरवर्ड बाय स्पॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट देता है, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट शायद कुछ और ही होगा, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक फॉरवर्ड खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो। ठीक है, आगे देखो, इट स्टेट्स दैट हायर इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री विल बी ऑफसेट बाय
डेप्रिशिएशन इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री, उसी का अपोजिट लिख सकते हो, लोअर इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री विल बी ऑफसेट बाय एप्रिशिएशन इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में दो अलग अलग तरीके की थ्योरी आप ले सकते हो, कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी, अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी। कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी में मैंने आपको फॉर्मूले तो बता दिया, एक थोड़ा सा ट्रिक है जो कि इंस्टीट्यूट के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, वो